बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज की वीडियो में मैं अपने ये छोटे नए चूज़ों के साथ रूटीन शेयर करूँगा और बाकी चूज़ों के साथ भी रूटीन शेयर करूँगा। तो इनका टाइम हो गया है दाना पानी डालने का, सुबह तकरीबन 9 बज रहे हैं। तो मैं सबसे पहले इनको दाना पानी डालता हूँ, फिर बाद में आपको बाकी चीज़ें भी दिखाता हूँ। तो मैंने अपने छोटे चूज़ों को बाजरा डाल दिया। तो मुझे ये चूज़ों की समझ नहीं लग रही, कुछ कुछ लग भी रही है तो मैं आपको बताता हूँ। ये जो येलो वाले चूज़े हैं ये गोल्डन पैट्रिज के हैं, और ये जो ब्लू और टाइप के हैं वो हैं मेरे ख्याल में ब्लू एस्ट्रोलोब के। और एक चूज़ा है ये वाला चूज़ा है वो ब्लैक एस्ट्रोलोब का है। तो अल्लाह घर के ये जो दो चूज़े हैं ब्लू एस्ट्रोलोब वाले, ये जो दो ये वाले चूज़े हैं अल्लाह घर के, ये ब्लू एस्ट्रोलोब के ही निकले। ये माशाल्लाह काफ़ी रेयर यानी के ब्रीड है। तो इसके पाँव भी माशाल्लाह चमक रहे हैं नीचे से। तो इनको मैंने बाजरा नहीं डालना, इनको मैंने मैंने रोटी पानी में भी गोई हुई है वो मैं थोड़ी देर तक डालता हूँ, इनको भी और इनको भी। बाकी मैंने आपको दिखाया था हमारी वाइट वाली मुर्गी अंडे दे रही है, तो इसने माशाल्लाह से अंडे दिए हुए पर मैंने देखे नहीं है। तो उसी केज में जिस केज में ये उस दिन बैठी हुई थी, तो ये ब्लैक वाली भी देना शुरू कर देगी। ये भी वैसी वैसा साइन दे रही है जैसे कि मुर्गियाँ अंडे देने से पहले देती हैं। तो बाकी वो वाली मुर्गी रह गई है वो भी इंशाल्लाह दे देगी। इनको पहले मैं बाद में दाना पानी डालता हूँ, पहले मैं आपको अंडे दिखाता हूँ। तो ये मुर्गी हमारी इस केज में अंडे देती है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें सामने, एक तो सामने पड़ा हुआ है अंडा, बाकी ये मेरे ख्याल में इसमें देती रही है। तो देखते हैं, मैंने देखा नहीं है, गौर नहीं किया, तो देख लेते हैं इसमें कितने अंडे पड़े हुए हैं। इसमें हाँ, इसमें भी तीन अंडे पड़े हुए हैं, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये कभी उसमें दे देती है, इसमें अंडा दे देती है, और कभी इसमें दे देती है, तीन अंडे ये पड़े हुए हैं। तो चलें अपनी मुर्गियों को दाना पानी डालते हैं, और उसके बाद मैंने आपसे एक और चीज़ भी शेयर करनी है, वो भी आपको बाद में दिखाता हूँ। तो मैंने ये इनको दाना पानी भी डाल दिया, बाकी इनका बर्तन का हाल देख लें, पानी वाली बोतल का हाल देख लें, इन्होंने क्या किया है, सारा इसमें कचरा भरा हुआ है, मुझे धोना पड़ता है रोज़ाना रोज़ाना, यही हालत कर देते हैं इसकी। तो बाकी मैंने इनको दाना भीगी हुई रोटी दे दी है। तो मैं काम करता हूँ, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, उसके बाद मैं इनको पानी डालता हूँ। अच्छा जी, तो वो चीज़ ये है, ये टेबल पड़ा हुआ था काफ़ी अरसे का, पुराना पड़ा हुआ था। तो मैंने सोचा ये कि हमारे पास केज कम है, तो इस वजह से मैंने ये साइड में से इसके पीछे हार्ड बोर्ड लगा हुआ था, तो मैंने यहाँ से भी उतार दिया, वहाँ से भी उतार दिया, और मैंने ऊपर से भी उतार दिया।
तो इंशाल्लाह मैं ये दो खाने बना लूँगा जो कि जिसमें छोटे चूज़े आसानी से रह सकेंगे। तो मैंने हैवी कोचिंग के चिक्स लिए हैं, तो वो इंशाल्लाह कल की वीडियो में दिखाऊंगा। उनके लिए जगह नहीं है मेरे पास, तो वो इंशाल्लाह वो मैं इनको नीचे रखूँगा, क्योंकि वो नाजुक सी ब्रीड है, वो गर्मी को ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो जो ये लाइट सुसेक्स के हैं ये भी इसमें रख दूंगा, क्योंकि वो लाइट सुसेक्स और उनका साइज़ सेम है। तो मैं इंशाल्लाह इसको तैयार करके फिर किसी वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो मैंने बात यही शेयर करनी थी। ये वाला जो है हिस्सा, ये मैंने दरवाज़े के लिए रख देना, और नीचे भी मैंने दरवाज़े के लिए रख के इसके ऊपर और साइडों पे जाली लगा देनी है, तो ये बेस्ट हो जाएगा हमारे लिए। तो बाकी इंशाल्लाह मैं इसको जल्दी जल्द पूरा करने की कोशिश करूँगा। तो इन छोटों चूज़ों को मैं बंद कर देता हूँ, क्योंकि कौवे कौवे तो नहीं, बिल्लियाँ बिल्ली मेरे काफ़ी सारे चूज़े पकड़ के ले जाती है, और इसकी ये नोक नहीं ठीक हो रही, तो इसका भी इंशाल्लाह मैं जल्दी से जल्द इसका कोई इलाज करता हूँ। ये अपनी नोक की वजह से अपने जूज़ों को दाना भी नहीं डाल पाती। तो मैं सबसे पहले इनको बंद कर देता हूँ, फिर आपसे बाद में मिलता हूँ, दिखाता हूँ दूसरे चूज़े। एक मुर्गी मुर्गी और उसका चूज़ा रह गया, उनको भी दाना पानी डालते हैं, फिर उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। बाकी ये एक चूज़ी हमारे पास है छोटी सी, इसका नाम मैंने पंपी रखा है, पंपी प्यार से कहता हूँ। इसकी आँख ख़राब हो गई थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक हो रही है। तो ये बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, मुझे ऐसा लगता था कि इसने बचना नहीं है, लेकिन बच गई है। तो ये मैंने इसके साथ छोड़ दी दोबारा से, मैंने कहा जब इस ये बड़ी हो जाएगा तो फिर मैंने इसके इससे अलग कर लेनी है। तो इनको दाना पानी डालने वाला रहता था, तो वो डाल दिए और ये खा रहे हैं माशाल्लाह से। बाकी मैं व्लॉग का एंड यहाँ पे करता हूँ। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, इसी के साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।